नमस्कार, हम फिर से आ गए हैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर। इस समय ज़्यादातर देशों में कोरोना वायरस की दहशत मची हुई है और आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। हमें अपने दुश्मन के बारे में जितनी अधिक जानकारी होती है, हम उससे बचने के उतने ही बेहतर उपाय कर पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और उनको भी दिखाइए जिनकी आप परवाह करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस वायरसेस का एक बड़ा समूह है जो स्तनधारी जीवों और पंछियों को बीमार करता है। यह एक ऐसा वायरस है जो शरीर में जुकाम जैसे लक्षण दिखाता है। पहली बार इस नए वायरस को चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में खोजा गया था। कोरोना शब्द लैटिन भाषा के शब्द कोरोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ताज या मुकुट। खोज। इस नए वायरस को दिसंबर 2019 में सबसे पहले चीन के वुहान शहर में डॉक्टर ली वेंगलियांग ने खोजा था। ये आंखों के डॉक्टर थे जो वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे। वहां उन्होंने कुछ मरीजों के अंदर सार्स जैसे वायरस के लक्षणों को देखा और अपने साथी डॉक्टरों को इसके बारे में बताया। सार्स वो वायरस है जो 2002 में देखा गया था और इससे लगभग 775 लोगों की जानें गई थी। तो जब डॉक्टर ली ने अपनी साथी डॉक्टरों को इसके बारे में बताया तो वहाँ की स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने डॉक्टर ली को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। पर डॉक्टर ली ने अपनी बात एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता चला। बाद में डॉक्टर ली को भी कोरोना वायरस ने जकड़ लिया और उनकी मौत हो गई। अगर उनकी बात पहले मान ली जाती तो शायद इस वायरस को इतना फैलने का मौका ही ना मिलता और इस स्थिति को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता था। इस समय चीन, इटली और साउथ कोरिया आदि देशों में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में इसके लिए मेडिकल सुविधाओं की कमी हो रही है। चीन में मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है और जिस किसी को भी बुखार या सर्दी जैसे लक्षणों से पीड़ित पाया जाता है, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर अस्पतालों में बंद किया जा रहा है, ताकि ये वायरस ज्यादा ना फैल पाए। प्रकार। कोरोना वायरस पहले 6 प्रकार का था, जिसका एक प्रकार सार्स है, जिसे 2002 में खोजा गया था और इससे लगभग 775 लोगों की जाने गई थी। अब यह जो नए प्रकार का कोरोना वायरस आया है वो इस कोरोना लिस्ट में 7वें प्रकार का कोरोना वायरस है। यह वायरस जानवरों से होता है, इसीलिए इसे जूनोटिक वायरस भी कहते हैं। यह जानवरों से मनुष्य में और फिर एक मनुष्य से आगे दूसरे मनुष्यों में फैलता जाता है। कैसे फैलता है? छूने से, खांसने, सांस लेने व बोलने से, जब हमारे मुंह से थूक के कण हवा में तैरकर दूसरे मनुष्य तक जाते हैं। किसी के छूने से भोजन में इसके वायरस आ जाते हैं और इस प्रकार भी ये वायरस फैलता है। एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनर से जांच की जा रही है। अगर कहीं भी कुछ गलत लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ले जाकर पूरी जाँच पड़ताल की जाती है। इस समय बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वर्तमान स्थिति। इस वीडियो के शूट किए जाने तक लगभग 90 देशों में इस वायरस की पहुंच हो चुकी है और साथ ही एक समुद्री जहाज द डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप पर भी यह वायरस पहुंच चुका है और लगातार फैलता ही जा रहा है। इस वायरस से अब तक लगभग 3,387 जाने जा चुकी हैं। लक्षण। बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश, शुरुआत में हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर मुंह और नाक से बलगम गिरने लगता है, फिर सांस लेने में तकलीफ और बढ़ जाती है, साथ ही निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सिरदर्द आदि होने लग जाता है। इसके बाद अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो फेफड़े और किडनियां फेल हो जाते हैं और मृत्यु तक हो सकती है। मुर्गियों में इस वायरस के फैलने पर ऊपरी श्वसन रोग होता है एवं गाय और सुअरों में डायरिया के लक्षण दिखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वायरस से ग्रस्त होने वाले सभी लोगों की जान नहीं जाती है, बल्कि यह एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, पर कुछ मामलों में लक्षण ज्यादा बढ़ जाते हैं और स्थिति गंभीर हो जाती है, तब मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। सही तरीके से डॉक्टर की निगरानी में अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो ज्यादातर लोगों की जानें बच जाती हैं। अगर 100 लोगों को इस वायरस का संक्रमण हो जाए तो उनमें से लगभग 85% लोगों को सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं और वो आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। बाकी बचे हुए लगभग 15% को गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं और उनका ठीक से इलाज करना जरूरी हो जाता है, जिनमें से 4-6% बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। अब सबसे जरूरी बात है इससे बचने के उपाय और सावधानियां।
हाथों को साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें, सर्दी और जुकाम के रोगियों से दूरी बनाए रखें, अंडे और मांस के सेवन से बचें या अच्छी तरह पकाकर खाएं, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें, अल्कोहल आधारित हैंड रब या हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें, दही जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो आपकी आंतों में जाकर आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही काले मिर्च, लहसुन, अदरक, संतरा और नींबू जैसे खाद्य पदार्थ भी अपने भोजन में शामिल करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, प्लेन मास्क ये कारगर नहीं है। सर्जिकल मास्क, यह मास्क भी कोरोना वायरस से बचने में पूरी तरह कारगर नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ से खुला होता है और इसका पतला कपड़ा ज़्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करता। N95 रेस्पिरेटर मास्क, इसका कपड़ा ज़्यादा मोटा होता है और यह चेहरे को पूरी तरह से कवर करता है। बाकी सभी मास्क की अपेक्षा यह मास्क वायरस से बचाव के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है। यह मास्क तब ज़्यादा काम करेगा जब मरीज खुद इसे पहनकर रखे, ताकि जब मरीज खांसे तो उसका वायरस हवा में ना आ पाए, ताकि अन्य लोग सुरक्षित रह सकें। मास्क पहनने के बाद भी मरीज किसी बाहरी चीज को ना छुए, नहीं तो यह बीमारी मरीज के द्वारा उसके हाथों में और उसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरे लोगों में भी फैल सकती है। पब्लिक प्लेस से घर आने पर सबसे पहले हाथ धोएं, उसके बाद ही घर के किसी और सामान को छुएं। पब्लिक प्लेस में रहते हुए किसी भी सामान को छूने, बस ट्रेन में यात्रा करने, लोगों से मिलने जुलने या हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ को अपने चेहरे पर ना लगाएं। अगर बीमार महसूस हो तो पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, क्योंकि उस समय हमारी इम्यून पावर सबसे कम रहती है और वायरस जल्दी असर करता है। उपचार, अभी तक इसका कोई कारगर उपचार नहीं बना है। जिस किसी को भी कोरोना वायरस का संक्रमण लग जाता है उसे लक्षणों के आधार पर इलाज दिया जा रहा है, जैसे बुखार होने पर बुखार की दवाइयां दी जाती हैं और सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो सूजन कम करने और सांस को बेहतर बनाए रखने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। इसका मतलब है कि अब तक इसका कोई कारगर उपचार नहीं बना है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा इसी में है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और इस वायरस के संक्रमण से बचें। आयुर्वेद में अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयों के बारे में बताया गया है। अगस्त हरित 5 ग्राम दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ, शेष मड़ी वटी 500 मिलीग्राम 2 बार, त्रिकटू पिपली 5 ग्राम, तुलसी के 3 से 5 पत्तियों को 1 लीटर पानी में उबालें और आधा हो जाने पर इसे एक बोतल में रखें और थोड़ा थोड़ा पीते रहें। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस वायरस को लेकर बहुत सी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, अतः उनसे बचें। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सावधानियां और बचाव के तरीके बताना है, क्योंकि इस वायरस के लक्षण बिल्कुल सामान्य सर्दी बुखार की तरह होते हैं, इसलिए ये पता लगना बहुत मुश्किल होता है कि आपको सामान्य सर्दी बुखार हुआ है या फिर कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं। तो इसकी जाँच कैसे होती है? जिस किसी पर भी कोरोना वायरस के संक्रमण का शक होता है उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट आने में लगभग 12 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। उसके बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट हो पाता है कि सामान्य सर्दी बुखार हुआ है या फिर कोरोना का असर है। यदि आपको सर्दी जुकाम जैसे लक्षण महसूस हो तो घबराए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये सामान्य सर्दी जुकाम हो और बार बार जाकर डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट ना करवाएं। लेकिन यदि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो देखते रहिए हमारा चैनल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।